बुशरा पीर का जादू फेल हो गया। इमरान खान के दुर्दिन जारी रहेंगे, बल्कि यूं कहा जाए कि दिन अब और खराब आने वाले हैं तो ये ज्यादा सही होगा। 11 विपक्षी दलों के गठबंधन इमरान खान को उखाड़ फेंकने के लिए अभियान छेड़ रखा है और इसके ऊपर नमक छिड़कने का काम अब FATF की ग्रे लिस्ट करेगी। सिंध में पुलिस बनाम आर्मी वाला मामला इमरान खान की राह का कांटा पहले ही बन चुका है। FATF के ऐलान से ठीक पहले जो बड़ी बड़ी डींगे हांक रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा, अब वो बगले झांक रहे हैं झेप मिटाने के लिए। अब वही पाकिस्तानी नेता कह रहे हैं कि भारत की साजिश नाकाम हो गई। भारत चाहता था कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। अकल के अंधों को ये दिखाई नहीं देता कि जिस पाकिस्तान की GDP का 90% से ज़्यादा कर्जा हो चुका है, वो पेट भरने और देश चलाने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? भारत को कोसने या जिहाद के नाम पर धर्मांध पब्लिक को उकसाने से किसी का पेट नहीं भरता। पाकिस्तान की भूखी पब्लिक बगावत के ज्वालामुखी पर बैठी हुई है, किसी भी समय विस्फोट हो सकता है। पाकिस्तान के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस 4 महीने और।